वेलकम टू मेड बाय मी, जहां आप सीखेंगे स्विंग से रिलेटेड हर चीज़। अगर चैनल पसंद आए और वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मेड बाय मी। आज हम आपको सर्कल स्टाइल में एक और डिज़ाइन बताने जा रहे हैं। ये टॉप है यंग लड़कियों के लिए। आप ये देखें, ये मैंने ये चिकन का पीस लिया हुआ है। ये हमारी, इससे हम इस ऊपर की बॉडी बनाएंगे और ये नीचे का हमारा नीलन का कपड़ा है, इससे जो है हम नीचे का हिस्सा बनाएंगे। तो अब हम इसको रेडी करते हैं। सबसे पहले मैं अपना नीचे का सर्कल काटूंगी। ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं हम नीचे की गोलाई कर लेते हैं। ये मैंने बिल्कुल बराबर करके रखा हुआ है। ये देखें, ये हमारा ये पीस है, पूरा पूरा ये सर्कल है हमारा। ये देखें, कहीं पर कोई जोड़ नहीं है। चार तह में रखा हुआ है हमने। ये देखें, ये रहा हमारा, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये दो। उसके बाद ये हमने इसको डबल करा है। ये तकरीबन, ये मैं आपको बता दूं कपड़ा कितने मीटर है ये हमारा, ये ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कितना कपड़ा लेना है। ये लेना है हमें 25 इंच है, तो आप समझ लें डबल ये 50 इंच है। तो ये तकरीबन जो है 1.5 मीटर का, 1.5 गज़ का कपड़ा है ये। और ये अरज़ इसका बड़ा है 1.25 गज़ का। और इसमें जो है हम इसको फिर इसको पूरा चार तय करके हम इसे इस तरीके से डबल करा है हमने। और ये सारे चारों कोने हमारे आ गए, ये देखें, ये आ गए यहाँ तक। ठीक है, ये हमने कोने लेकर आ गए। ये इसको मैं हटा रही हूँ, ये देखें। ठीक है, अब हम इसको इसी तरीके से हम इसको सेट करेंगे। ये देखें, यहाँ से हमने सेट कर लिया पूरा। ये देखें, ये पूरा यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से मैं ये अपना लूँगी, जो सबसे मेरा छोटा पीस होगा उसको मैं लूँगी। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा है, मैं इसको सेट कर लेती हूँ दोबारा, ताकि आपकी समझ में भी आ जाए कि हम किस तरह कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये हमने लिया, ये देखें पूरा हमारा आ गया। दोबारा इसी तरह चार तह हैं ये। ठीक है, ये रख लिया हमने अब यहाँ तक। अब हम इसको यहाँ से मैं लेना शुरू करूँगी और उसके बाद इसको यहाँ से हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे, इसी से नाप नाप के। ठीक है, इसको हम छोड़ आगे पीछे करते जाएंगे, फिर इसको हम यहीं पर रखेंगे। एक पीस हमने लिया है, उसी से हम नापते जा रहे हैं और कटिंग करते जा रहे हैं। ये देखें, पूरा हमने ये घुमा लिया। ये देखें, ये हो गया हमारा, गोलाई आ गई हमारी। सिर्फ हमने क्या करना है, इस पीस को रखते जाएंगे, पीछे करते जाएंगे इसको इस तरह। ये कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा आपका, बिल्कुल सही गोलाई आ जाएगी। अब यहाँ से हमें लेना है, तकरीबन हमें चाहिए, ये देखें मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा पीस है। ठीक है, हमें ऊपर ये जो हमने ऊपर का हिस्सा रखा है, हमने सिर्फ रखेंगे हम इसको 6 इंच। ठीक है, ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा होगा और उसी को हम नापेंगे। तो ये कितना हमारा आ रहा है, 7.5 आ रहा है। अब ये कटिंग होने के बाद हमारा 7 रह जाएगा। तो हम यहाँ इसको हम 3 इंच से काटेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा नहीं लेना है, वरना ये खींचेगा और ये भी कटेगा। तो ये देखें यहाँ तक, ये हमारा आगे ये यहाँ पे ये निशान आपको आ रहा होगा नज़र। अब यहाँ से हम इसको लेना शुरू कर देंगे, 4 है ये हमारा। ठीक है, उसके बाद ये 4 है क्या हमारा, और फिर ये 4 इंच है पूरा। ये गोलाई आ गई हमारी तकरीबन 3 इंच की। हमें चाहिए 3.5 इंच, लेकिन क्योंकि ये खींचता है और ये भी है, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा काटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वरना फिर हमें प्रॉब्लम होगी, ये बड़ा हो जाएगा ज़्यादा। ये देखें, ये हमारा ये आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा ये देख लें आप, ये मैं इसको यहाँ से हमें शोल्डर आर्म होल काटना है। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके साथ ही आर्म होल कटिंग करेंगे। ये बता दूँ मैं आपको, ये हम पहले इसको उल्टा कर लें। ठीक है, ये हमने कर लिया है ये उल्टा। ये विदाउट स्लीव बना रही हूँ मैं, आप चाहें तो बहुत आराम से इसमें स्लीव लगा सकते हैं, वो मैं बता दूँगी आपको तरीका। ये देखें, ये हो गया हमारा, ये अस्तर है नीचे का हमने रखा है लॉन का। और ये उसके बाद हम इसको नापना शुरू करेंगे, कितना लेना है हमें। 7 इंच हमारा शोल्डर है। ठीक है, और उसके बाद यहीं से हम जो है 4 इंच
शोल्डर ये पूरा लेंगे और यहाँ से 3.5 इंच हमारा गला होगा। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे तकरीबन 7 इंच पूरा, यह हम इसी तरह लेंगे इसको। मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। क्या क्या हमारा, ठीक है, ये हमारा बैक है, थोड़ा सा इसमें हमारे कम है तो ये हम बैक पे रख लेंगे और ये फ्रंट के लिए लेंगे हम। ये रहा हमारा फ्रंट, फ्रंट का गला भी मैं इसी वक्त काट लेती हूँ, इसकी कटिंग कर लेती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, बहुत जल्दी बन जाने वाला, फटाफट गर्मियों के हिसाब से। ये देखिए ये हमने लिया है, उसके बाद इसको हम ये गला, ये मैंने आपके आपको बता देती हूँ कि मैंने कितना लिया हुआ है। यहाँ से हम ज़्यादा लेंगे थोड़ा सा, ये देखें ये 2.5 वहाँ पे लिया था, ये 3.5 इंच होगा टोटल ये हमारा यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद हम इसकी गुलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसको बीच में से कट कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा चेक कर लेती हूँ, कट करने की वजह से हमें यहाँ सामने फ्रंट पे सिलाई लगानी होगी, तो इसको हम देखकर थोड़ा सा इसे हम कम कर देंगे अपना बैक साइड। इतना सा हमने निकाला है, ज़्यादा कटिंग नहीं होगी, हल्की सी होगी बिल्कुल। ये देखो ये हमारा ये आ गया, ये देखें ये पूरा हमारा यहाँ आएगा। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ से जो मैंने रोका था इसको, ये देखें ये हमारा फ्रंट का ये एरिया है और ये हमारा ये है। अब यहाँ से हम बिल्कुल हल्का सा जो है अपना शोल्डर यूज आर्म होल कटिंग करेंगे। देखें यहाँ से मैं लूँगी, नाप कर आपको बता देती हूँ कितना लेना है हमें। ये देखें तकरीबन हमें चाहिए होता है, हम 8 रखेंगे जो 7.5 हो जाएगा कटिंग करने के बाद यहाँ तक। बिल्कुल बराबर करा है मैंने, अब इसको हम यहाँ से 1/2 इंच के करीब इस तरह हम कटिंग कर लेंगे। ये देखें बस इतनी सी करनी है हमें, ये हमारा पीस ये इस तरह ये आ जाएगा। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, अब यहाँ पे हम सब जगह ये इसकी पाइपिंग हम ब्लैक से लगाएंगे, ये ऐसे ही लगाएंगे, इसको अंदर से हम फोल्ड करके सी लेंगे, उसके बाद इसको एडजस्ट कर लेंगे इसको और यहाँ से गला भी हम इसको अंदर ही हमने अस्तर लगाया हुआ है, इसको हम फोल्ड करेंगे और फिर इसके बाद इसको 7 सी के हम नीचे का घेर सी देंगे। फटाफट हमारा टॉप सर्कल टॉप तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर आस्तीन एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको सीते वक्त हम सबसे पहले आर्म होल का हिस्से को हम करेंगे। ये देखें ये मैंने पट्टी काट के रखी हुई है, इसको हम डबल करके ब्लैक ही लगाऊंगी मैं, वाइट नहीं लगाऊंगी। ये देखें यहाँ से हमने रखेंगे और उसके बाद इसको पट्टी को लगाएंगे। ये देखें इस तरह हमने इसको फोल्ड करा है, ये हो गया हमारा। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और करने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह हम अपनी ये सेटअप कर लेंगे। ये देखें सिर्फ हमें ये अंदर पूरा फोल्ड करना है और ये इस तरह हम सेटिंग करके इसको ले आएंगे। ये देखें ये हो गया हमारा आर्म होल रेडी हो जाएगा।
ये देखिए ये हमारा आर्म होल एक साइड का मैंने तैयार करके आपको दिखा दिया। हम दूसरे साइड का भी बिल्कुल इसी तरह तैयार करेंगे, ठीक है? फिर मैं वो रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमने नीचे जो है पूरा ओवरलॉक कर लिया। इसमें मैं बेल नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ। इसमें सिर्फ मैं गले पे थोड़ा सा बेल लगाऊंगी, तो मैं अब इसे फोल्ड करके इसको सीना शुरू करती हूँ। सिर्फ मुझे ये फोल्ड करना है इस तरीके से और इस पर मशीन चलानी है। ये देखिए हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया। आपको नज़र आ रहा होगा ये पूरा हमने ये कर लिया कंप्लीट। ये देखें ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अपनी बॉडी जो है करूँगी तैयार। कि सबसे पहले हम इसको बैक साइड को हम इसको यहाँ से हम जोड़ेंगे। वैसे इसका ये भी तरीका हो सकता है कि आप जो है पहले हम ये अपनी सारी चीज़ें जो अटैच कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम सियेंगे पहले। ये देखेंगे हो गया हमारा दोनों साइड हमने इस तरह कर लिए। अब हम इसको इस तरीके से हम मिलाएंगे। यहाँ पहले यहाँ से हम सियेंगे इसको और ये इसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे दोनों तरफ से। ये सीधा पीस होना चाहिए ताकि ये हमारे को प्रॉब्लम ना हो। ये देखें ठीक है दोनों तरफ से करेंगे हम इस तरीके से। ये भी वैसे तो इसे प्रेस कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? ये हमने इस तरह यहाँ से लिया हमने, उल्टा कर रही हूँ मैं। यहाँ देखें अब ये हमारा ये इस तरह हो गया। पहले हम यहाँ से सियेंगे फिर ये हम अपना पूरा गले, बल्कि पहले मैं गले का सेटअप करती हूँ उसके बाद हम जो है इधर साइडों का करेंगे, ठीक है? ये हमने रखा, ये हमारे पास छोटा सा बुकरम है, हम इसको लगाएंगे यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर लगाएंगे ताकि ये हमारा गला थोड़ा सा खड़ा हो जाए। ये देखें ठीक।
ये देखिए, ये हम इसको थोड़ा सा हम इसे कट का निशान लगाएंगे यहाँ पर हल्का सा, ठीक है। और उसके बाद हम इसको इस तरह सीधा करेंगे, और करने के बाद हम इसकी नोके निकालेंगे यहाँ से। उसी तरह हम दोनों साइडें हम करके, ये देखें यहाँ पे भी हम इसको इसी तरह करेंगे। उसके बाद इसको सीधा करके इस तरह निकाल लेंगे, ताकि ये जो हमारा है हिस्सा, ये हमें खड़ा दोनों साइडों का, अब इसके ऊपर हम पूरे पे मशीन चला लेंगे ये सारा, इसको बिठाकर सेट करके। और इसको जो है हम यहाँ से हल्का सा यूँ मिलाएंगे इस तरीके से, देखो बराबर करके, ये देखें इस तरीके से, ठीक है। पहले मैं इसे मिला सी लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं हम। ये हमारा ये बॉडी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ये देखें छोटा सा योक बनाया हमने। अब ये हमारा ये नीचे का हिस्सा है। अब इसको मैं एक एक करके आपको अटैच करके दिखा देती हूँ कि हमारा लुक कैसा आएगा। पहले हम इस तरह ये वाला हिस्सा करेंगे, ये जो हमारा फ्रंट है, ठीक है। यह हमने कर लिया है, अब हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। उसके लिए हमें इसे उलटना पड़ेगा। ये रहा हमारा पोर्शन। ये देखिए, ये हमारा ये हमने लगा लिए और ये रेडी हो गया हमारा। ये देखें ये इस तरीके से। अब जो है नेक्स्ट काम हमारा है, नेक्स्ट स्टेप के, अब मैं इस पर पहले ओवरलॉक करूँगी, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसके बैक साइड का जो ये हमारा है, इस पर ओवरलॉक करके, और फिर मैं इसमें अपनी बेल लगाऊँगी, ठीक है। अब भी मैं आपको आगे रेडी करके बताती हूँ।
ये देखिए, ये हमारा ये पूरा एरिया जो मैंने ओवरलॉक करके साफ़ सुथरा हो गया। ये अब मैं यहाँ से जो है अपनी ये बेल लगाना शुरू करूँगी। ये सिर्फ़ हम यहाँ पे लगाएंगे बेल, यहाँ से लगाते हुए पूरा यहाँ से टर्न करके उसके बाद यहाँ और पूरा हम घुमा के वापस यहाँ ले। ये देखिए, इस तरह मैंने पूरी बेल लगा ली। ये मेरी फ्रॉक रेडी हो चुकी है। ये लीजिए, हमारा टॉप तैयार हो गया है। आपने देखा है, बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये पूरा हमारा सर्कल टॉप है और ये जो है बहुत आसान तरीके से आपने देखा है, मैंने सिया ही है। आप भी इसको सी सकते हैं। चलें, अगर आपको हमारा टॉप पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you like this tutorial, please subscribe to our channel, share this tutorial, and like this tutorial as well. Thank you so much.